बर्बी। तो इको क्लब का एकमात्र उद्देश्य होता है कि पर्यावरण को बचाना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को एक जगह से दूसरे जगह हर लोगों में पहुंचाना। तो यही एकमात्र हम लोगों का उद्देश्य होता है। इसी से संबंधित हम लोग एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के समक्ष। तो आप कृपया उसको देखिए और अपने जीवन में उसको सीखने का प्रयास कीजिए और जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ बनाइए। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। बना छोड़ काट देंगे। अरे छोरी, ये क्या करें लागे से? सड़क पे कचरा काहे फेंके से? तो और कहां फेंकूं भाई? तो इसे डस्टबिन में जाके डाल लेती। अरे अंधा है क्या, यहाँ कोई डस्टबिन दिख रहा है? तो इसे उठा के अपने जेब में डाल लेती और घर में जाके फेंक दियो। ये भाई डस्टबिन थोड़ी है। तो ये सड़क तन्ने डस्टबिन लागे से का? देखा आप सबने, हम सब यही करते हैं, जहाँ मन करे वहाँ कचरा फेंक देते हैं और हमने अपने शहर को ही कचरा बना लिया। और क्या करें हमसे अच्छे तो जानवर हैं, जहाँ बैठते हैं साफ करके बैठते हैं। हमारे कुछ नहीं तो कचरा डस्टबिन में डाल ही सकते। दूसरा दृश्य, किस्मत पर रो रही हूँ। पर तुम्हारी किस्मत को हुआ क्या है? पहले तो यही इंसान कहता था, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। और आप कहता है, राम तेरी गंगा वैली हो गई, पापियों के पाप धोते हो। राम तेरी गंगा वैली हो गई, पापियों के पाप धोते हो। मगर गंगा तुम मैली कैसे हो गई? इन्हीं इंसानों की वजह से। पहले यह तो मुझ में अपनी अस्थियां प्रवाहित करता था, अब दुनिया का ऐसा कोई कचरा नहीं है जो यह मुझ में नहीं डालता। देख इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सिर्फ गंगा ही नहीं, हमने तो नदी नाले यहाँ तक कि समुद्र को भी नहीं छोड़ा। पीने लायक पानी तो बचा ही नहीं, कृपया कचरा पानी में ना डालें। तीसरा दृश्य, नहीं क्या? मैं पेड़ हूँ और मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत को? हजारों सालों से मैं अपना सब कुछ इन इंसानों को देता आ रहा हूँ और ये अपने स्वार्थ के लिए मुझे जड़ से ही मिटा देना चाहते हैं। देखा आप सभी ने, यही तो हो रहा है सालों से। हम पेड़ों को काट रहे हैं, कभी सड़क के लिए तो कभी बिल्डिंग के लिए। कृपया पेड़ अनावृत न काटे। पांचवा दृश्य, कलिया गड्डिया नु मैं लावा, स्पीड में 220 मैं चलाए, पुलिस के सामने मैं नहीं रुकता, आई एम नाइट राइडर। हाँ भाई, गाड़ी तो तेरे पैसों का है, लेकिन उससे होने वाले पोल्यूशन का क्या? गाड़ी मेरी, पैसा मेरा, ये बोलने वाले कौन है? अरे आला सिम्बा आला। हाँ भाई, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस तो नहीं है सर। हाँ तो गाड़ी लगा साइड में सर, कुछ लेने के सुलझा लेते हैं। अरे वर्दी देख कर तुम नामू समझे क्या? रिश्वत नहीं लेता मैं, चालान कटवा ले। कितने का चालान कटवाना है सर? अरे भाई, बात पैसों की नहीं है। तुम आजकल के लड़के गली से बाहर जाने के लिए भी बाइक का सहारा लेते हो, ये नहीं कि पैदल चले जाए, साइकिल का सहारा ले ले। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और सरकार ने ई बाइक्स लॉन्च की है, उसका उपयोग करें। नहीं पर तुम लोगों को तो हवाबाजी करनी है, तो अगली बार से चालान कटवा लेना और ध्यान। ठीक है सर। पहले मानव प्रकृति का अहम हिस्सा था, फिर परिवर्तन करता बना, अब विनाशक हो चला है। आप सभी बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, लेकिन जितना हो सके पर्यावरण का सुरक्षा कीजिए और जीवन जीने के लिए हवा पानी जैसी बेसिक चीज ही नहीं रहेंगी तो हम सब
बात है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छा जीवन दीजिए, हम सब बस आपसे यही कहना चाहते हैं। जितना हो सके पानी बचाओ, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें, कृपया नल खुला ना छोड़े, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, कचरा को अलग अलग डस्टबिन में डालिए, पेड़ कम काटिए और लगाइए ज्यादा, पेड़ को ना करें नष्ट वरना सांस लेने में होगा कर। चिड़िया मुझे हंसाए रे, बरखा मुझे भाए रे, जब हरा भरा हो जाए रे, आओ मिलकर कुदरत को बचाए रे।